एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत फिल्मी हो रहे हो तुम। एक्चुअली प्रिंसी, मैं फिल्मी नहीं हो रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो इनोवेटर्स हैं, ये कैसे कैसे कमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा सनी तुमने, आज बायोटेक में हो रहे आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ, पर जीवन की इस भागदौड़ में अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाना इतना आसान नहीं है, और ऊपर से पोल्यूशन की मार, पर मर्ज के आते ही उस मर्ज की दवा भी आ जाती है, और ऐसा संभव हो पाता है मेडिकल साइंस में हो रहे दिनों दिन नए नए इनोवेशन की वजह से, और देश भर में हो रहे ऐसे ही इनोवेशंस को अपने इनक्यूबेटर प्रोग्राम से बढ़ावा देता है बायरैक। बायरैक का मेन पर्पस ये है कि किस तरीके से बायोटेक इंडस्ट्री को, हमारे स्टार्टअप्स SMEs को प्रमोट किया जाए, उनकी रिसर्च इनोवेशन को हम सपोर्ट करें, और एक एफर्ट करें कि पूरी बायोटेक एंटरप्राइज जो हमारी कंट्री में है उसकी ग्रोथ हम उस लेवल पे लेके आए कि वो ग्लोबल हब की तरह से बन जाए। भुवनेश्वर स्थित इन DNA मेडिकल साइंस का ऐसा ही एक आविष्कार है। बायरैक के सपोर्ट से डॉक्टर बीरेंद्र नाथ बैनर्जी के इस इनोवेशन इन DNA ने मेडिकल साइंस में एक नया मकाम हासिल किया है। इन DNA की एक प्रयास है कि पीपल को अवेयर करे कि आपके DNA जो कि सैकड़ों साल से आपको सपोर्ट करते हैं, या हर जीव को इस धरती में, संसार में सपोर्ट करता है, वो इस प्रगतिशील जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स DNA के ऊपर आ रहे हैं। DNA इज गेटिंग डैमेज, तो हम इन DNA लाइफ साइंसेज में यही चेंजेस देख रहे हैं। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में काम करना, गोल्स अचीव करना, तरक्की करना, इन सब के पीछे जो सबसे जरूरी बात है वो हम भूल जाते हैं, यानी कि हमारा शरीर। और इस तनाव की वजह से हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। इन DNA हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस का पता लगाते हैं DNA के माध्यम से, और इसमें पेशेंट के खानपान, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री का भी ध्यान रखते हुए एक जीनोम रिपोर्ट तैयार की जाती है। हमारी सैकड़ों कोष है हमारी बॉडी में, लेकिन ये सब एक ही कोष के कॉपी है, तो ये एक बेसिस है लाइफ की, सेल को हमेशा कॉपी करना पड़ता है DNA को। तो ये DNA कैसे कॉपी होते हैं, जब कॉपी होते हैं उसमें कुछ डैमेजेस आते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो कि रिपेयर हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग सब नॉर्मल हैं। लेकिन किसी किसी बेसिस पे कुछ हमारे अपने लाइफस्टाइल की वजह से, या खाने की वजह से, या कुछ एक्सपोजर्स की वजह से वो चेंजेस रिपेयर नहीं होते। तो हमने इस टेस्ट में ऐसे बनाया कि हमने वो कॉपिंग मेकानिज्म, रेप्लिकेशन मेकानिज्म, द एंटायर जीनोम देखते हैं, और कितने रिपेयर हुए, कितने रिपेयर नहीं हुए वो भी देखते हैं, और ये चेंजेस में इम्पॉर्टेंट जीन्स जैसे जो हर प्रोटीन हमारे शरीर में जो एसेंशियल सब प्रोटीन्स है उसके लिए एक एक जीन है, कोड है DNA में, वो जीन चेंजेस होते हैं। अगर होते हैं तो हम उस चेंजेस को नोट करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके जीनोम हेल्थ, जो टोटल कंप्लीट जीनोम हेल्थ, उसकी हालत कैसी है। अगर अच्छी है तो वेरी गुड, और अच्छी नहीं है तो आपको ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। बायरैक के सपोर्ट से डॉक्टर बीरेंद्र नाथ बैनर्जी के इस इनोवेशन इन DNA ने मेडिकल साइंस में एक नया मकाम हासिल किया है। हमारी उम्मीद है कि इस इनोवेशन का लाभ जल्द ही हर घर तक पहुंचे। नई राह, नई सोच, रोजगार के नए नए अवसर, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का जज्बा, इसी का नाम है हुनरबाज स्किल टू विन। तो इसी जज्बे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए फिट रहिए, हिट रहिए, टेक केयर, बाय बाय। अगले हफ्ते जानेंगे एक ऐसे सेक्टर में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जिसके बगैर आज जिंदगी अधूरी लगती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ ही होगी हुनर की बात। इस तरह के हुनर सीखने से आपको नौकरी तो जरूर मिल ही जाएगी, आप नौकरी भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के। किसकी होगी शह और किसकी होगी मात, देखेंगे हुनर की बाजी में। हम आ चुके हैं लेवल 2 पर, और यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे इनका जिंदगी दुनिया से। मैंने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी, सब ट्रेनिंग में गड़बड़ हो गया। ओ, पेड़ों क्या ये?
इनका स्पॉन्सर्ड बाय मोहार्बो ग्लिसरीन।